दोस्तों अमित जी हुजूर तशरीफ ला चुकी हैं, खिताब का वक्त करीब है, खिताब होने वाला है, लिहाज दिल जमी के साथ तशरीफ फरमा रही। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। हुजूर तशरीफ ला रही हैं, मैं चाहता हूँ कि इनका इस्तकबाल खड़े होकर किया जाए। मरहबा या मरहबा गौहर शाही, मरहबा या मरहबा गौहर शाही, और आज इस महफिल का अजीम हिस्सा है, लिहाजा निहायत तवज्जो के साथ समाप्त फरमाएं। अल्लाह के हुजूर का खिताब शुरू हुआ चाहता है, तमाम अदरार से इत्तिबार से के बैठ जाए और सुरूर के साथ समाप्त फरमाएं। अल्लाह ताला का बेशुमार करम एहसान और शुक्र है कि इसने नबी करीम हज़रत पाक के तौफ़ीक हमारी ज़िंदगी में वो लम्हात दोबारा अता फरमाए हैं कि हम तमाम फातिन हज़रात सालाना ग्यारहवीं शरीफ के अजीम रूहानी इज्तिमा में शरीक हैं। इस इज्तिमा को दो अजीम नस्बतें हासिल हैं, एक तो
तमाम औलिया के सरदार हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी की निस्बत और दूसरी मुर्शिदे हक मर्दे कलंदर और हजरत सैयदना रियाज अहमद गौरशाही सरकार की निस्बत एक ऐसी खुशनसीबी है और कितने कीमती लम्हात हैं कि हम दो अजीम और करीम हस्तियों के जेरे साया हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुर्शिदे हक हजरत गौरशाही सरकार ने 47 साल कबल इस जश्न ग्यारहवीं शरीफ का आगाज बहुत ही छोटे पैमाने पे शुरू किया था, लेकिन अल्लाह की रहमत जोश में आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम बढ़ता गया। ये जश्न ग्यारहवीं शरीफ अरूज हासिल करता रहा और आज ये एक अजीम रूहानी इतमा में तब्दील हो गया है। रूहानियत के तालब इस ग्यारहवीं शरीफ का साल भर इंतजार करते हैं। हजरत गौस पाक के चाहने वाले दूर दराज से सफर करके मुर्शिद पाक के आस्थाना आलिया पर रूहानी इकामा में शिरकत को अपने लिए शहादत समझते हैं। मोहतरम कादियों आजाद औलिया इकराम और बुजुर्गाने दीन से निस्बत और मोहब्बत दोनों जहां में फला हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, इसलिए कि ये अल्लाह के दोस्त होते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल वारिस हैं। इनकी बरकत से आसमान से बारिशें नाजिल होती हैं और जमीन में फसलें पैदा होती हैं। इनके दम कदम से दुनिया में अमन कायम रहता है। बेशुमार लोग इनसे सुकून की दौलत हासिल करते हैं, वो गाफिल दिलों में अल्लाह के जरिए बेदारी पैदा करते हैं। इंसानों को इनके असल मकसद याद इसमें अल्लाह जात हासिल करने के लिए दावत देते हैं। ये औलिया इकराम दीन को जिंदा करने वाले और कल्ब को जिंदा करने वाले होते हैं। सदियों कबल हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी गौस पाक सरकार ने दीन इस्लाम की असल रूहानी इखलाकी तालीमात को जिंदा फरमाया, इसलिए कि आपको मैयदीन दीन को जिंदा करने वाला कहा गया। और सदियों बाद इस सिलसिला वलायत के अजीम मुर्शिद हजरत सैयदना रियाज अहमद गौरशाही ने दौरे हाजिर में जबकि लोगों के दिलों से अल्लाह और रसूल की मोहब्बत खत्म होती जा रही थी, लोगों के कल दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मुर्दा हो गए थे, मुर्शिद गौरशाही सरकार ने अल्लाह की जानों से अता करता रूहानी ताकत से बेशुमार मुर्दा कलूब को जिक्र अल्लाह से जिंदा जावे फरमा दिया। इस तरह आपको नहीं कल दिल को जिंदा करने वाली जात ग्रामी के तौर पर याद रखा जाता है और हमेशा याद रखा जाएगा। मोहतरम फातिमा हजरात, आज के इस रूहानी इतमा जश्न ग्यारहवीं शरीफ का असल फैज और करम यह है कि हम हजरत गौस पाक सरकार और हजरत गौरशाही सरकार की रूहानी तालीमात पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी रोशनास करवाएं, खुद भी अल्लाह का जिक्र करें, दूसरों को भी अल्लाह का जिक्र करने की दावत दें। याद रखिए कि दिल की बेदारी और कल्ब को जिंदा करने के लिए जरूरी है कि दिल की टिक-टिक और हर धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह का जिक्र मिलाया जाए। असाफ पाक राम फरमाते हैं कि जब हम पर कोई मुसीबत आती तो हम दुरूद शरीफ पढ़ते और आम हालात में हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। आजकल हर शख्स दौलत दुनिया की तलाश में है, किसी को रब की तलाश ही नहीं, मंदा नमाज भी किसी लालच या कारोबार की तरक्की के लिए करता है, जबकि इबादत तो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए करना चाहिए। लेकिन ये दिल की सफाई से हासिल होता है, नमाज भी दिल की आजी से कबूलियत का दर्जा हासिल करती है, लेकिन इनको हासिल करने के लिए सबसे पहले रब के इसमें ज़ात अल्लाह के जिक्र को जुबान से करना, फिर इसमें अल्लाह को दिल पर नक्श करना जरूरी है। इसके लिए मुर्शिद हक गौरशाही की तालीमात पर अमल करना बहुत लाजमी है। फातिमा आज़ाद,
याद रखिए कि दिल की तस्दीक के साथ जो अमान होंगे वो अमान सालिया है। इसके बगैर जो अमान है वो रस्मी रियाकारी और लाले से तलक रखते हैं। आज के दौर में जो अफरा तफरी और बेशकूली फैली हुई है इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि दिल में कुछ जबान पर कुछ है और हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन नजर आ रहा है। जबकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन भाइयों में तफरका की बुनियाद शैतान का तसल्लुत है। हदीस नबी के मुताबिक शैतान इंसान की नसों में दौड़ रहा है। इसलिए अब अगर मुसलमानों को भाई भाई बनना है तो फिरका वरियत का खात्मा करना हो। शैतान के तसल्लुत से नजात हासिल करना होगा। इसका तरीका भी हदीस नबी में वाजिया है कि शैतान इंसान के दिल पर चोट लगाए रखता है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान घबरा कर दूर हट जाता है और जब बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो शैतान दोबारा तसल्लुत कर लेता है। दिल की हिफाजत, दिल की बेदारी हमारा मकसद होना चाहिए और सच्चे उम्मती बनने के लिए हमें इस फरमान को मुश्किल ना बनाना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सोते हैं लेकिन हमारे दिल नहीं सोते। याद रखिए मुर्शिद गौशाही सरकार का मिशन हज़रत पाक के इस फरमान के मुताबिक लोगों को आगाह करना है कि आप अपने दिलों को सोने ना दो बल्कि इन्हें बेदार करना सीखो। इसीलिए कहा गया है कि कामयाब वो हो गया वो शख्स जिसे हर वक्त अल्लाह करने वाला बेदार कल्ब हासिल हो गया और दूर रहकर खबर गिरी करने वाला मुर्शिद हासिल हो गया। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा तो हर कोई करता है लेकिन जबानी दावों से कोई चीज हासिल नहीं होती। अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत की अजीम दौलत हासिल हो सकती है लेकिन इसका एक जरिया है और वो है अल्लाह। इस जिक्र से ही मोहब्बत के बंद दरवाजे खोलते हैं। मोहब्बत और इश्क का तल्लुक दिल से है जुबान से नहीं। अगर आप जुबान से सारी रात अल्लाह अल्लाह करते रहे तो ये इबादत हो सकती है मगर मोहब्बत नहीं क्योंकि मोहब्बत का तल्लुक दिल से है। जिक्र अल्लाह की जरबों से दिल को बिगाड़ दिया जाए। जब दिल में अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा तो मोहब्बत और इश्क की लाजवाब दौलत हासिल होगी। याद रखिए कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने अजू पाक के तफैल इसमें जात अल्लाह का जिक्र उम्मत मोहम्मदी को अता फरमाया है और रोजे क्यामत भी उम्मत मोहम्मदी की पहचान नूर से होगी। जिन लोगों ने अल्लाह के नूर को अपने कलूब में बसाया होगा वो रोजे क्यामत इसमें अल्लाह के जाती नूर से चमकते होंगे और इन लिखों कहा जाएगा कि ये उम्मती मोहम्मदी के खुश नसीब लोग हैं। एक हदीस शरीफ में है कि रोजे क्यामत एक आवाज आएगी अकलमंद लोग कहाँ हैं? लोग पूछेंगे अकलमंद कौन है? जवाब आएगा अकलमंद वो लोग हैं जो दुनिया में चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते रहे। फिर इन लोगों के लिए एक झंडा होगा जिनके पीछे ये चलेंगे इन लोगों को जन्नत में ले जाया जाएगा जहाँ ये हमेशा खुश और खरम रहेंगे। मोहतरम फातिमा सायर इबादत के साथ बातनी इबादत जिक्र फिक्र लाजमी मजलूम है क्योंकि अक्सर वाकयात मिलते हैं कि बहुत से जैद पारसा जो सिर्फ जहरी इबादत करते रहे लेकिन वो अपने जैद इबादत की वजह से अपने आप को दूसरे लोगों से बदतर और आला समझने लगे। गुनाहगार लोगों को कमतर जानने लगे। बहुत से नमाजी खुद को इबादत गुजार समझकर बेनमाजियों को अकारण कमतरी और नफरत की निगाह से देखने लगे। अपनी इबादत की वजह से गुरूर तकब्बुर का शिकार होते रहे जिससे इनका सीधा भी स्याह हो जाता है। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि जारी इबादत के साथ बातनी इबादत जिक्र फिक्र को भी अमल में लाया जाए
क्योंकि अल्लाह ताला नामा अमाल नहीं देखता, वो तो इंसान के दिलों को देखता है। अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों पर नजर खास फरमाता रहता है, लेकिन जब जायद और पारसा का दिल देखता है तकब्बुर अनानियत और गुरूर से भरा होता है, अल्लाह ताला उसकी जानब से तवज्जो हटा लेता है। इस तरह जायद पारसा का गुरूर तकब्बुर इसकी सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि इंसान की सारी इबादतें और रियाजतें अल्लाह ताला की खुशनुदी और नजर रहमत हासिल करने में है। लेकिन जब अल्लाह ताला ही अपनी नजर रहमत से दूर कर दे तो बंदे की इबादत और नेकियों का क्या फायदा है। इसलिए हम तमाम को अपने अंदर भी देखते रहना चाहिए कि हम किसी भी तरह गुरूर तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो रहे। अब आइए गुनाहगार की तरफ, जिसे सब बुरा और कमतर समझते रहे हैं। इंसान जब गुनाह करता है तो इसका गुनाह फरिश्ते लिख देते हैं और इसके दिल पर एक स्याह धब्बा लगा दिया जाता है। इस तरह गुनाहगार का नामा आमाल भी स्याह और दिल भी स्याह होता रहता है। लेकिन अगर गुनाहगार शख्स को हदीस शरीफ का ये नुस्खा अता हो जाए कि गुनाहगार जब जिक्र अल्लाह में मसरूफ होकर दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह बसा लेता है तो इसका दिल साफ शफाफ और मुनव्वर हो जाता है। इसके साबका गुनाह की वजह से नामा अमाल तो स्याह रहता है, लेकिन दिल चमक उठता है। अल्लाह ताला की नजर रहमत का सिलसिला बंदों के लिए जारी रहता है। जब इस गुनाहगार पर अल्लाह की नजर होती है तो इसके दिल की चमक देकर अल्लाह ताला इस पर मेहरबान हो जाता है और इसके अंदर अपनी मोहब्बत डाल देता है। जब बंदा के दिल में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल हो जाती है तो महबूब रब अज़ु पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पैदा हो जाती है। इसलिए कि महबूब खुदा खुदा नहीं लेकिन इससे जुदा भी नहीं है। इसके साथ ही अल्लाह के दोस्त वलियों की भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर, ज़ाहिर तो पारसा देखते रह गए। पाकिस्तान की मोहब्बत के बानी है। आखिर में आप तमाम शर्का का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी अल मरकज रूहानी कोठी शरीफ में मुनक़द इस रूहानी शरीफ के रूहानी इज्तिमा में शिरकत फरमाई। मेरी दुआ है कि या अल्लाह अपने अभी करीम के सदके हजरत रोज पाक और हजरत गौशाही के तफैल तमाम शर्का इज्तिमा के हाल पर रहम करम फरमा। इनकी तमाम परेशानियों मुसीबतों और तकलीफों का मुदावा फरमा। इनके हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह इनको ना देख अपनी रहमत को देख और इनकी निस्बत को देख। ये तेरे गौस के दीवाने हैं, ये गौशाही के मस्ताने हैं। इन पर रहम फरमा, करम फरमा। हम सबको जिक्र फिक्र रूहानियत की सिरात इजाद पर गमजा रहने की तौफीक अता। अल्लाह तेरे गौहर शाही की पहचान समझना, गोहर बोल दाए बढ़ते कुरान सजना। तेरे गोहर शाही की पहचान समझना, गोहर बोल दाए बढ़ते कुरान सजना। हम किसे गल कर ओ जरूर किसे दल कर ओ जरूर आवेगा। गोहर शाही उते रख तू ईमान सजना, कर गोहर शाही दी पहचान सजना। गोहर बोल दे बन के कुरान सजना। रब एने तेने किसे बिच बोलदा राज फकर के नहीं खोलदा। रब ते नहीं किसे बिच बोलदा, राज फकर के नहीं खोलदा। तोहर बन के मिराज फकर दिया
सजना कर गोहर शाही की पहचान सजना गोहर बोल दाए बन के कुरान सजना गम की सहता न कर ओ जरूर आवेगा सबको सरकार का इंतजार है हाथ खड़े करके मेरे साथ पढ़िए गम की सहता न कर ओ जरूर आवेगा की सहदा न कर ओ जरूर आवेगा गोहर शाही उते रख ईमान सजना कर गोहर शाही दी पहचान सजना गोहर बोल दाए बन के कुरान सजना गोहर शाही वाले कर ले तू प्यार वे आजा प्यार वे गोहर शाही तो तू तन मन बार वे गोहर शाही नाल कर ले तू प्यार दे आजा प्यार दे गोहर शाही तो तू ऐसे कहूं कि मुझ पे निगाहें करम नहीं कैसे कहूं कि मुझ पे निगाहें करम नहीं कि मुझ पे निगाह यार ये भी तो कम नहीं मुझ पे निगाह यार मुझ पे निगाह यार है ये भी तो कम नहीं तशरीफ फरमा रहते हुए सरकार का खिताब समाप्त फरमाएं खिताब के बाद इंशाअल्लाह नमाज मगरिब अदा होगी और बाकिया प्रोग्राम नमाज मगरिब के बाद होगा तवज्जो के साथ समाप्त फरमाएं सरकार का खिताब शुरू हो चाहते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम जैसा कि आपको मालूम है कि अरसा 20 साल से अजमन के प्लेटफार्म पर उलिया अजान की तालीम का प्रचार किया जा रहा है इस तालीम से आज लाखों हजरात जिनका तल्लक मुख्तलिफ कौमों मुख्तलिफ फ़िरकों अता के मुख्तलिफ मज़हबों से है
उस रस्सी में मुंसलिक हो गए हैं जिसके लिए इरशाद बारी है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये रस्सी वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के बावजूद एक दूसरे को भाई भाई समझना शुरू हो गए हैं, बल्कि आज इस महफिल में भी कई गैर मुस्लिम हजरात मौजूद हैं। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं, इस फिक्रे पे एतराज़ करते हैं कि अल्लाह की पहचान और रसाई के लिए रूहानियत सीखो, खा तुम्हारा तलक किसी भी मज़हब से हो। कहते हैं कि इस्लाम के बग़ैर रूहानियत कैसे सीखी जा सकती है। दर हकीकत रूहानियत का तल्लक मज़हब से नहीं बल्कि रूह की ताकत को उजागर करना है। कुछ लोग चांद सूरज हत्ता के शमा की रोशनी को अपने अंदर जज्ब करके कई किस्म की सलाहियत पैदा कर लेते हैं, जैसा कि टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म या मिसमरिज्म वगैरह, लेकिन इसका तल्लक सिर्फ मखलूक से ही होता है, इसके ज़रिए रब तक नहीं पहुँच सकते। और कुछ लोग अल्लाह के नाम की रोशनी अपने जिस्मों में जज्ब करते हैं, दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह आला मलाते हैं, फिर अल्लाह आला का नूर खून से सरायत करता हुआ रूह तक पहुंच जाता है, फिर रूहें नूर की ताकत से सलाहियत पैदा कर लेती हैं, फिर ख्वाब, मराकबे या मुकाशवे की सूरत में इन्हें रहमानी आगाही होना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ मकामात पर तैर सैर के लिए भी पहुँच जाती हैं, फिर वो मुकाम शनील से निकल कर मुकाम दीद में चली जाती हैं, फिर वो देख लेती हैं कि कौन सा नबी है जिसके आगे सब नबी वली झुके हुए हैं, फिर वो भी उसके आगे जाकर झुक जाती हैं। फ़िरऔन या उसके दरबारियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को ना पहचाना, लेकिन जादू की सलाहियत रखने वाले ही मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान कर उनके ऊपर ईमान ले आए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि गोरशेह ने नबूवत का ऐलान कर दिया, बल्कि इसी बना पर टंडवादन पुलिस ने एक मौलवी की दरख्वास्त पर 295 ए का चालान दहशतगर्दी की इलाजत में पेश किया हुआ है, जबकि उनके पास तहरीरन या तकरीरन कोई भी सबूत नहीं। कुछ अखबार वालों ने यह शैतानी करी थी, जिसके बाद उन्हीं अखबार ने तरदीद भी शाया कर दी थी। जो लोग बला तहकीक या दानस्ता किसी पर कुफर का गलत बोतान लगाते हैं, वो खुद कुफर के ज़ुमरे में आ जाते हैं, काफर बेईमान को बोलते हैं। गैबत, बोतान, हिर्स, हसद और बुखल वगैरह से इनके भी ईमान खारिज हो जाते हैं, ज़िंदगी में की हुई नेकियां छिन जाती हैं जिसकी इन्हें भी खबर नहीं होती, और आखिर में सब नेकियां बर्बाद करके शैतान की तरह लानती हो जाते हैं। एक वाक्य है, बाजिद बुस्तामी को पता चला कि एक आलम उनकी बुराई कर रहा है, आपने उसका कुछ वजीफ़ा मुकर कर दिया, वो वजीफ़ा भी लेता रहा और आपकी बुराई भी करता रहा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि नमक हरामी न करें, या उनकी बुराई छोड़ या वजीफ़ा छोड़। उस दिन के बाद उसने बाजीद रहमतुल्लाह की तारीफ़ करना शुरू कर दी। जब आपको पता चला कि अब वो तारीफ़ कर रहा है, तो आपने वजीफ़ा बंद कर दिया। फिर वो आलम बाजीद के दरबार में हाज़िर हुआ कि जब मैं आपकी बुराई करता था उस वक्त आप मुझे वजीफ़ा देते थे, लेकिन जब तारीफ़ करना शुरू की तो आपने वजीफ़ा बंद कर दिया। आपने फरमाया, उस वक्त तू मेरा मजदूर था, तेरी नहक बुराई से मेरे गुनाह जलते हैं, उसकी जगह तेरी नेकियां आ जाती, मैं उसकी अवज़ तुझे मुआवजा देता, अब तुझे किस चीज़ का मुआवजा दूं। बहुत से लोग कहते हैं कि गोरशेह ने इमाम मेहदी का ऐलान कर दिया है, बल्कि पिछले दिनों रेग इंटरनेशनल लंदन की तरफ से भी जंग लंदन में मेहदी का ऐलान हुआ। ये ख्याल उन लोगों के अपने हैं जो उन्होंने अपने मुशाहदात या तजर्बात की रोशनी में बयान किए, सही भी हो सकते हैं और नज़रों का धोखा भी हो सकता है। बहरहाल इसका जवाब वही दे सकते हैं। मैंने खुद को कभी इमाम मेहदी नहीं समझा, ना ही कभी ऐसा ऐलान किया है, बल्कि लोगों को इमाम मेहदी की निशानियां बताता रहता हूं कि जिस तरह हजूर पाक की पुश्त पर कलमे के साथ मोर नबूवत थी, इसी तरह इमाम मेहदी की पुश्त पर कलमे के साथ मोर मेहदीयत होगी। लेकिन जब चांद, सूरज, हजर अस्वद, शिव मंदिर, इमाम बहरगाँव और कई मसाजिद में तस्वीरों की तस्दीक हुई, तो मुझे भी शक हुआ कि हो सकता है अल्लाह ताला ये मर्तबा मुझे ही नवाज दे, क्योंकि कई ऐसे वाकयात सामने थे कि चोर और डाकू भी रातों रात वली बन गए।
आत्मी यकीन तब होगा जब अल्लाह की तरफ से कोई हलाम हो और जहरी बातनी वली इसकी तस्दीक कहें। लोग कहते हैं कि गोरशाही ने चांद हजरत पर तस्वीर का दावा किया, ये दावा मैंने नहीं किया बल्कि ये दावा रब की तरफ से हुआ है जिसकी मैं तायद कर रहा हूँ, और लोगों को भी कहता हूँ कि तुम भी इसकी तहकीक करो। अगर मैं जानब अल्लाह है तो इसको जुटलाना कुफर है। अगर हम इसका सबूत पेश न कर सकें तो हर किस्म की सजा के लिए तैयार हैं। तहकीक के बाद लोग कहते हैं जब हजूर पाक की छवि नहीं आई तो किसी और की कैसे आ सकती है। हो सकता है हजूर पाक नहीं अपनी किसी फर्जंद की तस्वीर लगा दी हो कि इसके जरिए इश्क मोहब्बत की तालीम हासिल करो, जिसे हजूर पाक ने यह तालीम सिखाकर पूरी दुनिया और मजहब के लिए मामूर किया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि तस्वीर हराम है। जिस तरह आम लोगों को गुस्सा आए तो हराम है, लेकिन वली नबी या अल्लाह को गुस्सा आए तो हराम नहीं कह सकते बल्कि जलाल कहते हैं। इसी तरह आम लोगों की बनाई हुई तस्वीरें हराम हो सकती हैं, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों की बनाई हुई तस्वीरें जो ताबूत सकीना में मौजूद हैं आप उन्हें भी हराम नहीं कह सकते। तो फिर अगर अल्लाह की तस्वीर बना दे तो उस पर एतराज़ करना नादानी है, जबकि वो मसवर भी है और हर चीज़ पर कादर भी है। हदीसों में भी है कि कब्र में हजूर पाक की छवि दिखाई जाएगी, जबकि छवि तस्वीर का ही दूसरा नाम है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि इमाम मेहदी दुनिया में किसी जगह मौजूद हैं। दज्जाल के मुतल्लिक ये क्या सहराइयाँ जोरों पर हैं कि अमरीका दज्जाल है, लेकिन हदीसों में ये भी लिखा है कि मेहदी और दज्जाल की जंग भी होगी। अगर उनके मुताबिक अमरीका दज्जाल है तो फिर रूस इमाम मेहदी होगा। मैं चाहता हूँ अपने इल्म की रोशनी में इमाम मेहदी को मुतारफ कराऊँ, क्योंकि सदियों से जहाँ मोमनों को उनका इंतज़ार है इसी तरह दज्जालिये भी उनके कत्ल के लिए बेकरार हैं। पहले ज़रा दज्जालियों की तशरीह आपको बताता हूँ। जो शख्स कहे अगर इमाम मेहदी मेरे ज़माने में आ जाए तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूँ, और जो मुल्क है कि वाकई इमाम मेहदी आ जाए और जो उसे कत्ल करे मैं उसे बेशुमार इनाम दूँ, क्योंकि हदीसों के मुताबिक उन्हें शुभ है कि इमाम मेहदी उनकी सल्तनत छीन लेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये कानून बनाया हुआ है कि अगर कोई मेहदी का ऐलान करे तो उसे जेल में बंद कर दिया जाए। वाकई इमाम मेहदी पाकिस्तान में आ गया तो फिर उसका इस्तकबाल जेल की दाल से ही होगा ना। हुकूमत ने ये कानून कैसे पास किया है जबकि हर फिरके के मुताबिक इमाम मेहदी को दुनिया में आना है। हुकूमत के मुताबिक कि ये कानून झूठे मेहदियों के लिए है तो फिर सच्चे मेहदी की हुकूमत के पास क्या पहचान है। अगर आज हुकूमत इस कानून को ख़त्म करे तो कल ही पूरे सबूत और हदीसों की रोशनी में मैं इमाम मेहदी को दुनिया में रोशनास करा सकता हूँ। वरना एक दिन दुनिया खुद ही इमाम मेहदी को पहचान लेगी, मुश्क आस के खुद बबोयत ना के अतार बबोयत। हदीसों में है कि इमाम मेहदी की वालदा का नाम आमना और बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। इसके दो जवाब हैं, एक मंतकी और एक फलसफी। उसी हदीस में कि दज्जाल गधे पर चढ़कर आएगा। अब और एक आंख से काना होगा, अगर वाकई वो गधे पर चढ़कर आएगा और काना होगा तो हम तो पहचान लेंगे ना कि ये दज्जाल ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, सरपरश। हम कहते हैं कि जिसकी हजारों पैरोकार होंगे क्या उसको कोई कार नहीं देगा। अगर उसने यहाँ से इस्लामाबाद जाना हो तो गधे पे कब पहुँचेगा, जबकि ये कारा हवाई जहाज़ों का ज़माना है। फिर वो कहते हैं नहीं, जब ये ज़माना ख़त्म हो जाएगा साइंस का
तो फिर वो ज़माना आएगा, उस वक्त दज्जाल गधे पे बैठेगा। और हम कहते हैं अगर ये ज़माना ख़त्म हो जाएगा, कारें भी नहीं होंगी, अगर गधे होंगे तो घोड़े भी तो होंगे ना, तो वो घोड़े पे क्यों नहीं बैठेगा जो उसे आला सवारी है। फिर कहते हैं कि ये कोई इशारा होगा, इशारा ये होगा कि गधा शैतान है, दज्जाल पूरी शैतान की ताकत रखेगा, और एक आंख से महरूम का मतलब वो एक इलम यानी बातनी इलम से महरूम होगा। और हम कहते हैं अगर वो इशारा है तो फिर ये भी इशारा हो सकता है ना कि इमाम मेहदी की माँ का आमना यानी वो मोमना होगी और बाप अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला की बात करने वाला होगा। ये तो मंतकी है जिसका आम लोग जिक्र करते भी हैं, ये फजूल भी है। जो असली रूहानी तौर पर है मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं समझ में आए या ना। कुरान में अर्जी व समावी रूह का जिक्र आया है, अर्जी व समावी रूह का जिक्र आया है। अर्जी रूहें इस दुनिया में पत्थरों, दरख्तों और हैवानों में होती हैं जिनका यौम मैशर से कोई तल्लक नहीं। समावी रूहें आसमानों से तल्लक रखती हैं, जैसे फरिश्ते, अरवा और लताइफ वगैरह। जब अर्जी और समावी रूहें इस जिस्म में इकट्ठी होती हैं तब वो इंसान बनता है, वरना या फरिश्ते हैं या हैवान है। जब पेट में नुतफा पड़ता है तो खून को इकट्ठा करने के लिए रूह जमादी पड़ती है, फिर रूह नबाती के जरिए बच्चा पेट में बढ़ता है, फिर जब रूह हैवानी आती है तो बच्चा पेट में हरकत करता है। पैदाइश के बाद रूह इंसानी लताइफ के साथ आती है जिसके ज़रिए बच्चा चीखना चलाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि अगर बच्चा पैदाइश से थोड़ी देर पहले ही मर जाए तो उसका जनाजा नहीं होता कि वो अभी हैवान ही था। पैदाइश के बाद थोड़ी देर के बाद ही अगर मर जाए तो उसका जनाजा ज़रूरी है कि वो इंसान बन गया था। मरने के बाद समावी रूहें आसमान पर चली जाती हैं जो एक ही जिस्म के लिए मखसूस हैं, लेकिन वो अर्जी अरवा एक जिस्म से दूसरे जिस्म में हत्ता के कई जिस्म में मुंतकिल होती रहती हैं। खानदानों में फितरत का असर इन रूहों की वजह से होता है, जबकि खानदानी बीमारी का तल्लक खून से होता है। आम लोगों की अर्जी अरवा एक दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती रहती हैं, पाकीज़ा लोगों की अरवा पाकीज़ा जिस्मों में दाखिल होती रहती हैं, जबकि हजूर पाक की अर्जी अरवा को सिर्फ इमाम मेहदी के जिस्म के लिए रोका गया था। जिस तरह हजूर पाक के पूरे जिस्म को आमना का लाल कह सकते हैं, इसी तरह जिस्म के किसी हिस्से यानी हाथ वगैरह को भी आमना का लाल कह सकते हैं। जिस तरह हजूर पाक की रूह को भी आमना का लाल कह सकते हैं, इसी तरह रूह के किसी दूसरे हिस्से को भी आमना का लाल कह सकते हैं, क्योंकि रूह का वही दूसरा हिस्सा हजरत इमाम मेहदी के जिस्म में होगा, जिसकी वजह से उनकी माँ का नाम आमना और बाप का नाम अब्दुल्ला भी हो सकेगा। मेहदी को तलाश करो, पहचानो, अगर कोई सारी उम्मत इबादत करता रहे आखिर में मेहदी की मुखालत करी तो विलियम बोर जो दुआए मुस्तजाब भी था एसावा का के कुत्ते की शक्ल में दोजख में जाएगा। अगर कोई सारी उम्र कुत्तों की तरह जिंदगी बसर करता रहा लेकिन आखिर में मेहदी का साथ दे दिया तो कुत्ते से हजरत कुतमीर बनकर विलियम बोर की शक्ल में जन्नत में जाएगा। अक्सर कहते हैं अगर इमाम मेहदी पाकिस्तान में मौजूद है तो वो जेलों से क्यों डरता है, ऐलान क्यों नहीं करता। जिस तरह हजूर पाक उस वक्त तक घरों में आजाने देते रहे जब तक उनको हजरत उमर नहीं मिले। मुसलहतन बिस्तरे पर हजरत अली को भी सुलाकर मदीने की तरफ हिजरत कर गए थे, इसी तरह इमाम मेहदी भी मुसलहतन खामोश है, क्योंकि वो ऐलान करे या ना करे
जेल में रहे ये शहर में यह गोशा नशीन आखिर वही इमाम अली है जो अल्लाह की तरफ से है, तो फिर उसे तकलीफ सहने की क्या ज़रूरत है। एक हदीस के मुताबिक आम ख्याल है कभी वो वक्त नहीं आया क्योंकि उस वक्त दूर दूर तक दिए जल रहे होंगे, इसका मकसद दूर दूर तक कुछ दिल चमक रहे होंगे। एक और हदीस के मुताबिक वो नया दीन बनाएंगे या दीन में तजदीद करेंगे, दोनों हालतों में उन्हें उलमा की साजिशों और फतहों का मुकाबला भी करना होगा जब तक उलमा उनको समझ ना पाएंगे। एक हदीस के मुताबिक वो लोगों को बेशुमार दौलत देंगे, वो बादनी दौलत की तरफ इशारा था, यानी उनका फैज बकौल सुल्तान बहू चाहे मुस्लिम चाहे काफिर चाहे जिंदा चाहे मुर्दा सबके लिए यकसां होगा। इस वक्त के लिए शायद कुरान में आया है कि जब तुम किसी मामले में परेशान हो जाओ तो अहले जिक्र से पूछ लेना, अहले जिक्र कौन होते हैं? गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा मरीज जाकिर होगा, मैं उसको जाकिर मानता हूँ जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करे, वरना जबानी जिक्र तोता भी कर लेता है। दिल के जिक्र से दिल की सफाई, दिल में चमक और फिर दिल में भी नूर पैदा होता है, फिर वही दिल अल्लाह ताला के हलाम और अमानी दलील और इशारों के काबिल हो जाता है, फिर खुद ब खुद नूर का रुख नूर की तरफ और पहचान हो जाती है। हमने अरसा 20 साल की मेहनत से लाखों सरफरोशों को कल्बी जिक्र सिखाया जिसके ज़रिए वो गुनाहों को तर्क करके इश्क रसूल और इश्क अल्लाह में दाखिल हुए, हज़ारों महफिल हजूरी तक जा पहुँचे, हज़ारों अल्लाह से वासिल हुए। हर किसी के बस में नहीं है कि वो अल्लाह तक रसाई हासिल कर सके, क्योंकि उसमें शरीयत के साथ साथ तर्क गुनाह रिज़्क़ हलाल ज़रूरी हैं, जलाली जमाली परहेज विर्द वज़ाइफ और सुल्तानी अजकार भी करने पड़ते हैं। लेकिन यकीन करो कि अगर कोई इमाम मेहदी से वसल हो गया तो फिर अल्लाह दूर नहीं है। कामलीन की नस्बत और मोहब्बत एक कुत्ते को हजरत कुतमीर बना देती है, जबकि कुत्ते का कोई मजहब नहीं था, ना ही उसको कोई इबादत करना आती थी। एक और अहम बात कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने नुमाइंदे मुख्तलिफ एजेंसियों की सूरत में मुल्क भर में फैलाए हुए हैं ताकि इंतशार को रोकने, मुल्क में अमन अमान पैदा करने की तदाबीर मजहब दुश्मन और मुल्क दुश्मनों की सही सी रिपोर्ट से हुकूमत को आगाह करें। लेकिन तजुर्बा हुआ है कि एजेंसियों वाले अक्सर गलत रिपोर्टें भेजते रहते हैं, फिरका वारियत की वजह से पार्टी भी बन जाते हैं, खुद कत्ल करा के दूसरों पर केस बनवा देते हैं, शरपसंदी की सूरत बजाय रिकावट के तमाशा बन जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम हकूमत से नफरत करने लगती है। इन बिगड़े हुए हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं तमाम एजेंसियों को दावत देता हूँ कि वह मजहबी या मुल्की फरीजा समझकर तमाम फिरके के सरबराहों से मेरी मुलाकात अपनी मौजूदगी में कराएँ। अगर मेरी तालीम में कोई ऐसी बात है जिससे दीन इस्लाम को नुकसान हो रहा है या वलियों की तालीम से पार है तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बसूरत दीगर गलत प्रोपेगेंडा या गलत रिपोर्टें उम्मत मुस्लिमों में खून रेजी का शिकार हो सकती हैं, जिसका इलम हकूमत को भी है। आखिर में दुआ है कि आज इस महफल के सदक़े जो कि महबूब रबानी की है, अल्लाह ताला मेहदी को पहचानने और साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हजरात मोहतरम, ईमान अफरोज और जो हमारे जहनों में उलझने थी उसको दूर करने के लिए हुजूर क़िबलाए आलम ने अपने कीमती औकात में से जो वक्त हमें इनायत फरमाया, हम इनके बेहद मशकूर ममनून हैं। और आज मुर्शद पाक की मौजूदगी में यह अहद समीम करते हैं, कल्ब समीम के साथ यह अहद करते हैं कि पीर मुर्शद, हमने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानियाँ, अपने बच्चे, अपने माल और मुता तमाम के तमाम आपके मिशन पर और आपकी जात पर कुर्बान कर। बलियों के इमाम दे दो पंजतन के नाम, हमने आस है लगाए पड़ी है से आगा जी, हमने आस है लगाए पड़ी है से
डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पे हर बार हमने आस है लगाई बड़ी देर से, आका जी हमने आस है लगाई बड़ी देर से, कर तो करम का है के इशारा, कर तो करम का करम के साथ सलामत है जिंदगी, और तेरा करम न हो तो कयामत है जिंदगी, कर दो करम का, कर दो करम का लाज तुम हमारे, रख लो लाज तुम हमारे, रख लो लाज तुम हमारे, रख लो लाज तुम हमारे, मैं हूँ मंगती तारी तोरे दर पे, मैं आए बड़ी देर से आका जी तोरे दर पे, मैं आई बड़ी देर से। वो बारगाह गौसियत में अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश किया गया। अब मुर्शिद करीम हजरत क़िबला आलम सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मुर्शिद पाक की बारगाह में कसीदे के अशआर पेश फरमाएंगे जनाब सैयद नवेदुल हक कादरी साहब। तेरी आँखों में है समंदर दो है, तेरी आँखों में है समंदर दो है, हक दो है या दो है, तमादम दो है, तमादम दो है, तमादम गो हर गो है, तमादम गो हर गो है, उसके रमजे खोल रहे हैं, उसके रमजे खोल रहे हैं, इनमें लदुन ने बोल रहे हैं, इनमें लदुन ने बोल रहे हैं, बोल रहे सर पे सजाए ताज इमामत, सर पे सजाए ताज इमामत, तुम्हारे फख्र रिसालत तेरे अंदर गए
शुरू हुआ चाहता है। महफिल जिक्र की निदामत के फरायद हम अंजाम देंगे। मुर्शिद करीम साहबजादे मुर्शिद करीम जनाब हम्माद गौर शाह साहब। अर्ज़ ज़िक्र कलमा तैयब अल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह कुजाए शाम होए कुजाई चरादर दमे चश्मम ने आई तुम खमूरे शराबे किब्रियाई तुम अंगूरे जनाबे मुस्तफाई अजारो से अदल मस्ते अलस्ती तुम फारे हुमे खैरुल वराई खमीरे चार अंसल चार आई अजम तेरे गुले खैरुन निसाई असरा कुरतुल ऐनी हुसैना दिलाराम हुसैन करबलाई मदीना मरा तस्खीर कर दी कली दे कुफल बाबे मुर्तदाई चु उस्मा पाया आदिल चुमर चु सिद्दी की तो दर्शित को सफाई जबहरे कदले नफ्सो देव मलूम अमीरे हमजाए शेरे खुदाई बमादा गे तो दागा राज कुदर तुरावे बद खिताबे मातलाई छे अब्दुल कादरी अमरे कदीरी बमुल्के अहदियत फरमा रवाई तवानी गर्द देखो से गदारा वलेकिन दिल रुबा ले रदाई अगसनी उदरू या गौस लिल्ला बहके खाल के अर्दो समाई और इसनी में गुनम हागिर गयाई अजब चाप परी रो दिल रुगाई मुरीदा राम रादे में बरारी बतालब हर मतालब में नुमाई मुरीदम लायुरीदम जर्रदारम खुरम सादी बनगरे की में आई मुरीदी ला तगफर दिल विस्तम नमे कर संग शैताने दगाई मुरीदे हिम्मत बड़ा यादगारम यकीदानम के तू अहले वफाई गदाया रात ही शाही बयकदम के तू ओद सादत रहमाई गदाया ने तो शाने जहानंद सरद मारा बदरगाहत गदाई खुशानादी के पाए नाद मीरा
روزے نادمی نام خراما ورسر باند آئی خوشا ہے بلبلے بستان باہو بری و شہباز کہ مدے شاہد لانی سرائی عجب خوش قسمت یہ نور محمد کے دامن گیر محبوب خدائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واحد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خیر الخلائق وافضل البشر شفیع الامم یوم نشر و نشرے وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لکا وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل ملائکات مکرین مقربین علی عباد اللہ صالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا ستر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا الہی جڑی کلام پڑھی گئی لنگر نہ سوا یا قرآن خوانی نعت خوانی نہ سوا حضور پاک نے طفیل 1,24,000 پیغمبران نے بخشیا حضرت آدم حوا نے روح بخشیا مائی حاجرہ مائی سہارا نے روح بخشیا چار یار نے روح بخشیا پنجتن پاک نے روح بخشیا خاص کا اسنا سوا پیران پی دستگی جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے روح بخشیا اللہم انت السلام و منک السلام علیک یا جل السلام ایانا ربنا بسلام و ادخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالی یا جل جلال و الاکرام لا الہ الا اللہ محمد رسول یا رسول چلو جس کا دعا مانگو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا الہی رحم کن بر ماہما عفو کن جملہ گناہ ماہما یا الہی رحم کن بر ماہما عفو کن جملہ گناہ ماہما یا الہی رحم کن بر ماہما عفو کن جملہ گناہ ماہما اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے اے لوٹے ہوئے دلوں کو موڑنے والے اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے آج اس امت کے دلوں کو بھی جوڑ دے آج اس امت کے دلوں کو بھی جوڑ دے
ऐ चोरों डाकुओं को कुतुब बनाने वाले, ऐ नसुए जैसे को भी बख्शने वाले, आए सबके गुनाह बख्श दे, आए सबके गुनाह माफ फरमा। या इलाही ये तेरे गौस के दीवाने, ये तेरे महबूब के परवाने, बड़े दूर दराज से बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं, या इलाही इनके गुनाह माफ फरमा। या इलाही इनकी जहरी बातनी बीमारियां दूर फरमा, या इलाही इन पे करम कर। ऐ कातबे तकदीर इनके सीनों को भी चमका दे, ऐ कातबे तकदीर इनके सीना भी मदीना बना दे, ऐ कातबे तकदीर इनके सीने भी चमका दे। या इलाही इनके दिलों में अपना और अपने हबीब का इश्क पैदा कर, ऐसा इश्क जिसकी तड़प से ये दिल रेजा रेजा हो जाए, ऐसा इश्क जिसकी तड़प से ये दिल रेजा रेजा हो जाए। या इलाही हम दुनिया के तालब नहीं, या इलाही हम जन्नत के भी तालब नहीं, या इलाही हम तेरी मोहब्बत के तालब हैं, या इलाही हम तेरी मोहब्बत के तालब हैं। या इलाही इश्क का कतरा इस महफ़िल पे भी डाल दे, इस इश्क का कतरा इस महफ़िल पे भी डाल दे। या इलाही ये तेरे गुनहगार बंदे, ये तेरे खस्ता हाल बंदे, तेरे गौस का तेरे वलियों का सहारा ढूंढ रहे, या इलाही ये तेरे वलियों का तेरे गौस का सहारा ढूंढ रहे हैं। या इलाही इन पे अपना कर्म फरमा, या इलाही इनको नफ्स और शैतान के शर से बचा, या इलाही इनको मंजिल मकसूद पे पहुंचा, या इलाही इनकी सारी बातें बीमारियां दूर फरमा। या इलाही इन बरसते हुए आंसुओं को देख, या इलाही इन बरसते हुए आंसुओं, या इलाही इन बरसते हुए आंसुओं, या इलाही इन सिसकती हुई रूहों को देख, या इलाही इन तड़पते हुए दिलों को देख, या इलाही इन सिसकती हुई रूहों को देख, या इलाही इन तड़पते हुए दिलों को देख। या इलाही अपनी रहमत को भी देख, या इलाही इनकी निस्बत को भी देख, या इलाही इनकी निस्बत को भी देख। या इलाही तेरी इस मोहब्बत में, या तेरे इस मिशन में जो भी रुकावट है उसको दूर कर, या इलाही जो भी रुकावट है उसको दूर कर। हाँ वो हुकूमत हो, हाँ वो मौलवी हो, हाँ वो हमारी औलाद ही क्यों ना हो, या नहीं उसको ख़त्म कर। बेशक जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। करने की कोशिश करें।